राइनो फाई 3D CAD लेक्चर में मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं बालानाथ गोस्वामी और आज हम अपने व्यूअर के लिए स्टार्ट से एंड तक राइनो सॉफ्टवेयर में काम करने का प्रोसेस लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड बिटमैप सेट करेंगे और इसे ट्रेस कर इसे हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, डायमंड प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद रेंडरिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमें मिलेगी। स्क्रीन पर जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये डिज़ाइन MJ मयूर द्वारा बनाई गई है, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर आप बने रहिए और ऑडियो ऑन रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन की लेंथ हमने यहाँ पर 30 mm की रखी हुई है और ट्रेसिंग हम शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेसिंग के लिए मैंने कंट्रोल पॉइंट का कमांड यूज़ किया है और एक साइड मैंने ट्रेसिंग करके दूसरे साइड भी कर दिया है। और ट्रेसिंग में सिंपल क्लिक, मतलब लेफ़्ट क्लिक करके कर रहा हूँ और इतनी स्पीड में करने के लिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलरली इस तरीके का काम कर रहे होंगे तो ही आप इतनी स्पीड में ट्रेसिंग कर पाएंगे। और डिज़ाइन जो बैकग्राउंड में है, मैं उसे सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, उसे मैं ट्रेस कर रहा हूँ और इस डिज़ाइन को हम ट्रेस करके उसके बाद हाइड करेंगे, फिर इसे सारे कव को हम रिपेयर करेंगे। हार्ट शेप बनाने का तरीका, बीच में एक लाइन ले लिया है मैंने और उसे वन साइड ट्रेस करूँगा। सेकेंड साइड हम ट्रेस नहीं करेंगे, उसे हम मिरर कमांड की हेल्प से मिरर कर देंगे। और मिरर कमांड के लिए आपको MM स्पेस शॉर्टकट की यूज़ करना है। दोस्तों, शॉर्टकट की यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें काम को स्पीड में करना है। ये मैंने वन साइड ट्रेसिंग करके सेकेंड साइड मिरर कर लिया है। मिरर के लिए आप MM स्पेस यूज़ करेंगे। दोस्तों, एक लाइन लिया और इस ड्रॉप को बनाने के लिए मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल डायमीटर, और इसके पॉइंट्स ऑन किए और ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो ये हमारा ड्रॉप रेडी हो गया है। एक बार फिर हम देख सकते हैं, लाइन कमांड लिया, उसे लाइन बनाया। लाइन लेते समय हमें ऑर्थो ऑन रखना है और सर्कल डायमीटर के लिए भी हमें ऑर्थो ऑन रखना है। और मूव वर्टिकल नहीं, सिर्फ मूव कमांड की हेल्प से ये शेप हमको मिल जाएगा। मूव वर्टिकल हम 3D में यूज़ करते हैं। अब ये एक लाइन ले ली है मैंने और इसे मैं ऑफसेट मारूंगा 0.7, ठीक है, और इसे भी 0.7। तो आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कम है तो उसे भी हम 1D कमांड की हेल्प से कम कर देंगे। और 1D कमांड के लिए हम 1D स्पेस शॉर्टकट की लेंगे, जिससे हमारा 1D कमांड एक्टिव हो जाएगा। मैंने बैकग्राउंड को हाइड कर दिया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ हम जो मैंने 2D ट्रेस की थी वही है। अब मैं इसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्लो दूंगा। अगर कुछ चीज़ें बैकग्राउंड से हमसे छूट गई हैं तो उसे हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे। और डिज़ाइन की फ़्लो हमें दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बनानी होती है, क्योंकि अगर डिज़ाइन खूबसूरत नहीं होगी तो उसका बनाना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, ये डिज़ाइन हम रियल डायमंड गोल्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए हमारे डिज़ाइन से तो डिज़ाइन का कोई यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें फ़्लो 2D से ही प्रॉपर करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2D पसंद आएगी और इसे हम 3D में भी कन्वर्ट करेंगे इसी वीडियो में, और इसे मैं
मूव कमांड की हेल्प से रिपेयर करता जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी रिपेयर हो चुका है, थोड़ा हमें समय 2D में देना होगा। अगर हम 2D प्रॉपर करेंगे तो ही हम 3D में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हमारी 2D अच्छी नहीं होगी तो हम 3D में भी अच्छा शेप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको पीछे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इसके पॉइंट्स को, अगर कहीं पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे तो मैं उसे रिपेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में काम कर रहा हूँ, अगर कुछ छूट रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना कि ये जल्दीबाजी में करने की वजह से हो रहा है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बालाजी कैड वाला @gmail.com पर संपर्क करें। एस शेप को भी हम रिबिल्ड करेंगे और रिबिल्ड करके उसके पॉइंट्स को मूव कमांड लिया और उसकी हेल्प से हम इसे प्रॉपर करेंगे। जब तक डिज़ाइन में प्रॉपर शेप नहीं आ जाता तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन पसंद आ रही होगी तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अगर आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, शेयर करिए। और आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें हमारे जीमेल आईडी balajicadwala@gmail.com पर लिख सकते हैं। रिबिल्ड किया नीचे 2/7। रिबिल्ड कमांड, स्प्लिट कमांड, मूव कमांड, ये इम्पोर्टेंट कमांड है हमारे लिए 2D को रिपेयर करने के लिए। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ट्रेसिंग कमांड हमें कंट्रोल पॉइंट कर्व, ये कमांड का नाम है जिससे हमने इसे ट्रेसिंग किया था। एंड टू एंड हम लाइन डाल देंगे। तो दोस्तों एस शेप रेडी हो चुका है और इसे हम थोड़ा सा आगे तक ले लेते हैं। वीडियो को देखना और ऑडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ें वीडियो में छूट जाती हैं तो मैं उसे ऑडियो में आप तक क्लियर कर लेता हूँ, या फिर आपको वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसके लिए ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके एंड को लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हिस्ट्री के कारण हो रहा है। रिकॉर्ड हिस्ट्री हमेशा ऑन रखना है हमें। वन साइड अगर हम रिपेयर करेंगे हार्ड शेप को तो वो सेकेंड साइड भी अपने आप रिपेयर होता जाएगा, और ये हिस्ट्री रिकॉर्ड हिस्ट्री की वजह से हो रहा है। टूडी में हमें पूरी तरह से मेहनत करना है। अगर कहीं भी हमारा शेप छूट जाएगा या फिर प्रॉपर नहीं आएगा तो हम 3D में उसे
रिपेयर कर रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें इसे 2D में ही सही करना होगा और उससे हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो सकता है, इसलिए हमें पूरे तरह से मैनुअल ट्रेसिंग को प्रॉपर करना है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें हर चीज़ डिटेल में आपको समझानी है। तो अभी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड बिटमैप किया था, उसके बाद हम ये ट्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रॉप बनाने का शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया और हार्ट को भी वन साइड करने के बाद सेकंड साइड हमें मिरर मारना चाहिए, तो वन साइड हम अगर रिपेयर करेंगे तो सेकंड साइड भी साथ साथ रिपेयर हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको शायद 2D पसंद आ रही होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं, डिज़ाइन में जो ऊपर का पार्ट रिंग टाइप का दिख रहा है उसे हमें 2D में इसी तरह से स्ट्रेट रखना है। बाद में जब हम 3D करेंगे वहाँ पे हम उसे राउंडिश कर देंगे। 3D में पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा। डिज़ाइन आप देखिए, 2D को मैंने की फिनिशिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये रहा हमारा फाइनल। ये हार्ट को मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ग्रीन लाइन जो है वो हमारे राइनो का सेंटर है, उस लाइन पर ले लेंगे। और कुछ चीज़ें हमें अपने कॉमन सेंस से भी करना होता है, हमें मैनुअल स्केच के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें 3D में उसे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं। मैनुअल डिज़ाइनर का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा हुआ है, फिर भी हमें उसे 3D में टेक्निकली कुछ चीज़ें हमको अपने मन से करनी होती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि फिनिशिंग तो हमें कैड में ही करना है, तो अगर हम ऐसा सोचें कि मैनुअल वाले ने जैसा बनाया सेम हमें वैसा ही बनाना है तो हम अच्छे कैड डिज़ाइनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी बहुत ही अच्छा किया हुआ है उन्होंने, तो हमें अपना काम प्रॉपर करना है। और ये मैं इसे बैंड कमांड की हेल्प से बैंड कर रहा हूँ, BEND, ये आप टाइप करेंगे तो बैंड कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। और देखिए कुछ चीज़ें अभी भी अनफिनिश लग रही हैं तो मैं उसे रिपेयर भी करता जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उसे आधा अधूरा छोड़ दें। जब तक डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी तब तक हमें 3D में नहीं जाना है। ये मैंने बाउंडिंग बॉक्स कमांड ले लिया है और बाउंडिंग बॉक्स के लिए आपको BB स्पेस करना होता है। और ये पैराबोलाइड कमांड लिया, बॉक्स का सेंटर पकड़ा और फ्रंट व्यू में नीचे की तरफ जाकर टॉप व्यू में मैंने उसे 1D कमांड की हेल्प से 2.5 की मैंने हाइट दी है। ऐसा हो सकता है कि ये हाइट ज़्यादा या कम हो सकती है, अगर हमें ज़्यादा लगे तो हमें इसे और वापस से एक बार 1D कमांड की हेल्प से कम करना होगा, या कम हो तो ज़्यादा। फ़िलहाल हमें ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे 2 mm के लगभग कर देते हैं। हाँ अब ये पहले से बेटर लग रहा है, मैंने इसे प्रोजेक्ट कमांड की हेल्प से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है और ये मैंने पैराबोलॉइड सरफेस को हाइट कर दिया है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में जो जो प्रोसेस होने वाले आज के दिन वो सारे के सारे मैंने थंबनेल पर मेंशन किए हुए हैं, प्लीज़ आप उस चार्ट को ज़रूर देखें कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे काम करते हैं। ये सरफेस को मैंने पॉली सरफेस में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद इसे हम स्विफ्ट व्हील पहले तोड़ेंगे स्प्लिट कमांड की हेल्प से, इसे हमने तोड़ दिया और पॉइंट को भी तोड़ेंगे और स्विफ्ट व्हील की कमांड के हेल्प से हम इसे सरफेस बनाएंगे। दोस्तों सरफेस बनाने के बाद ही हम पॉली सरफेस बना सकते हैं, हम डायरेक्ट भी अगर फ्लैट में कर्व हो तो हम उसे एक्सट्रूड कर्व
की हेल्प से पॉली सरफेस डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्लो में काम करेंगे तो पहले हमें सरफेस बनाना होता है, उसके बाद ही हम उसे पॉली सरफेस बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीस थोड़ा सा हार्ड से बाहर आ गया है, फिर भी मैं इसका 3D कर रहा हूँ क्योंकि हम इसे बैंड कमांड की हेल्प से बैंड भी कर सकते हैं, BEND स्पेस, और ये बैंड कमांड ले लिया, इसे मैं धीरे से अंदर की तरफ को रोटेट कर देता हूँ। एक बार हम डिज़ाइन को बैकग्राउंड इमेज के साथ में मैच कर लेते हैं। ये डिज़ाइन MJ मयूर द्वारा बनाई गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट करते हैं मयूर जी। इनकी जो मैनुअल स्केचेस होती है मयूर जी की, टेक्निकली बहुत ही सही होती हैं, जिसे हम 3D में कन्वर्ट करने में हमें बहुत आसानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनुअल डिज़ाइनर डिज़ाइन को क्रिएट कर देते हैं लेकिन उसे टेक्निकली 3D में कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन MJ मयूर के हाथों से बनी हुई डिज़ाइन टेक्निकली बहुत ही सही होती हैं, जैसा कि मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैनुअल स्केचिंग में। दोस्तों हम इसे स्टेपिंग में कर रहे हैं, मूव वर्टिकल कमांड की हेल्प से मैंने उसे 0.3 ऊपर किया, 0.4 मुझे कर लेना चाहिए, तो 0.4 का मैंने स्टेपिंग रखा हुआ है। 2D में हाइट कर रहा हूँ। दोस्तों कभी भी 2D हमें डिलीट नहीं करनी है, हाइट करनी है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसे फिर से एक बार यूज़ कर सकते हैं। अब इस एस शेप को भी हम टोटली फ्लो करेंगे, जैसा कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं, ए के ऊपर इस एस शेप का अच्छा खासा स्टेपिंग दिखाई दे रहा है हमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव करना है। दोस्तों हम 10 साल से ज्वेलरी फील्ड में हैं और पिछले 6 सालों से CAD डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। मूव वर्टिकल की हेल्प से मैं सारे कर्व को फ्लो में कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब तक ये फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हमें साइड से इसे देखना होगा कि फ्लो उसका प्रॉपर हो। अगर कहीं पे भी फ्लो में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारी डिज़ाइन मैनुअल स्केच से मैच नहीं हो पाएगी और ये हमारा फेलियर होगा, अगर हमारा डिज़ाइन मैच नहीं हो पाया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिज़ाइन जितनी खूबसूरत MJ मयूर द्वारा बनाई गई है उतनी ही हम हमारे 3D में भी दिखाई दें। तो दोस्तों देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, उम्मीद है कि हम उसे मैच कर लेंगे। मूव वर्टिकल कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं रेगुलर। आपको मूव वर्टिकल कमांड अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो आपको पहले M स्पेस करना है, जिससे मूव कमांड एक्टिव हो जाएगा और आपको ऊपर ऑप्शन दिखाएगा वर्टिकल के लिए V, तो वर्टिकल के लिए आप V कर सकते हैं। ये मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ सरफेस कैसा दिख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी खामियाँ उसमें हैं अभी भी, फिर से हम उसे सही करेंगे। दोस्तों वीडियो भले ही बहुत लंबा हो रहा है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक CAD
करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से कैड में काम होता है। मैनुअल स्केच को हम बैकग्राउंड में कैसे प्लेस करते हैं, वहां से लेके सरफेस पे डायमंड हम कैसे सेट करते हैं, शायद उसके बाद कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, तो वो इसलिए छूट रही हैं, छूटेंगी क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम कम से कम समय में इस वीडियो को ख़त्म करें। और अगर आपको उसके आगे का भी कुछ जानना हो या देखना हो तो प्लीज़ हमें balajicadwala@gmail.com पर ज़रूर लिखें, तो हम आपको आगे का भी पर्सनली हम आपको आगे का भी वीडियो मेल कर देंगे। जी हाँ, इसे इस सरफेस को मैंने एक्सट्रूड सरफेस की हेल्प से बना दिया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट लोअर पार्ट का 3D हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है। ये जो लाइन है इनको भी हम पहले स्प्लिट करेंगे, एस स्पेस पी स्पेस, और ये पॉइंट्स पकड़ के कट करेंगे, इसका भी एस स्पेस पी स्पेस, और इसे भी कट करेंगे। एस स्पेस का मतलब है स्प्लिट कमांड और पी का मतलब है पॉइंट, जहाँ पर भी हम पॉइंट लेंगे वहाँ पर वो कट जाएगा। और ये रिबिल्ड कमांड ले लिया है, और रिबिल्ड कमांड की हेल्प से हम इसके अंदर पॉइंट डालेंगे। 4 पॉइंट हमने रखे हुए हैं, बीच में के 2 पकड़ के हम मूव वर्टिकल कर रहे हैं, और इसे भी सेम तरीके से मूव वर्टिकल करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला पीस है उसका डोम थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसके और छोटे वाले का डोम थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्टेपिंग बनेंगे। दोनों को मूव वर्टिकल करके मैंने ऊपर ले लिया। शिफ्ट 12 कमांड के लिए आपको S2 स्पेस करना है। अब इसे मैं राइट व्यू से कट कर लूँगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मेटल है उसे हमें क्यों रखना है, उसे रखेंगे तो डिज़ाइन का लुक ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम उसे कट करके निकालेंगे। कट करने के लिए हमने कटिंग प्लेनर कमांड लिया, जो कि सरफेस में पहला वाला ही है, सरफेस सरफेस के बाद कटिंग प्लेन करके अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा सामने, या फिर आप CU स्पेस कमांड लेकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रॉप को भी दोस्तों मैंने हार्ट की तरह सेंटर में ले लिया है। आपको सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि थोड़ी डार्क लाइन है, तो हमें कोशिश करना है कि डिज़ाइन का सेंटर हमें खुद चूज़ करना है। और ये मैं मूव वर्टिकल करके ड्रॉप में डोम कर रहा हूँ, छोटे वाले ड्रॉप में कम डोम होगा और बड़े वाले ड्रॉप में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसे मैं रिबिल्ड करके फ्लो में कर दिया हूँ, इसे भी हम कटिंग प्लेनर की हेल्प से कट करेंगे। CU स्पेस ले सकते हैं या सरफेस में जाके कटिंग प्लेन कमांड ले सकते हैं। पॉइंट रख दिया है मैंने दो सब में। हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिज़ाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें इस डिज़ाइन को कम से कम समय में कंप्लीट करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और आप बैकग्राउंड में लगे म्यूज़िक को भी इंजॉय कर रहे होंगे। डुप्लीकेट एज लिया, इसे हमने इसके कॉर्नर से थोड़ा सा पहले स्प्लिट कमांड के हेल्प से कट किया, और ऊपर की तरफ ऑफसेट कमांड लिया। इस ऑफसेट कमांड को हम ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस के नाम से जानते हैं, और इसे हम ट्रिम कमांड की हेल्प से कट कर रहे हैं। ये कटिंग प्लेनर लेकर मैंने इसे काट दिया। अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दोस्तों आप देखिए, डुप्लीकेट एज लिया, स्प्लिट कमांड के हेल्प से कट किया, और इसे हम ऊपर की तरफ ऑफसेट ऑन सरफेस कर रहे हैं 0.5 और 0.3 का। ये मैंने ऑफसेट लिया है यहाँ पे,
और इसे हम मिरर मार देंगे। दोस्तों हमें हमेशा मिरर यूज़ करना है ड्रॉप वगैरह के लिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और हम लोग ड्रॉप शेप में परफेक्ट काम करने के लिए, क्योंकि हम मैनुअली अगर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो सकती है। तो हमने इसे स्प्लिट कमांड की हेल्प से इस सरफेस को हम कट करके निकाल चुके हैं। अब इसे हम मूव वर्टिकल करके माइनस 0.4 करेंगे, क्योंकि ये पावर सेटिंग है। दोस्तों आज के डिज़ाइन में हम प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग, पावर सेटिंग सीखेंगे। बीच में एक कॉलेट भी है जिसे हम इस डिज़ाइन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम आज के दिन सिर्फ आपको प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग और पावर सेटिंग सिखाना चाहते हैं। फाइनल इमेज आपने थंबनेल पर देखी होगी, वहाँ पर हमने कॉलेट भी बनाकर आपको दिखाया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन की शेप स्टेपिंग पसंद आ रही होगी। दोस्तों हम रेडीमेड डायमंड ले रहे हैं जिसको हम यहाँ पर अभी प्लेस करेंगे, और उसके लिए हमने एक गैलरी बनाई हुई है जहाँ पे हमने रेडीमेड डायमंड रखे हुए हैं। उन्हें हम इस फाइल में कॉपी करके डिज़ाइन के ऊपर डायमंड को ओरिएंट करेंगे। तो सारे के सारे डायमंड हम यहाँ से कॉपी कर कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली और सॉफ्टवेयर में करते हैं कॉपी पेस्ट, वही सेम तरीका यहाँ पे भी करेंगे। ये मैंने एक डायमंड ले लिया है, उसे हम यहाँ पे प्लेस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ओरिएंट कमांड के लिए हमें ओ स्पेस करके डायमंड को सिलेक्ट करके सरफेस के ऊपर प्लेस करना है। ये मैंने मिरर किया, यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है तो इस गैप को हम थोड़ी देर के बाद मेंटेन करेंगे। पहले हम बाकी ड्रॉप के ऊपर डायमंड रख के देखते हैं। चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने की का जगह यहाँ पे है और कितने का डायमंड इसमें आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 3 mm का डायमंड आ जाएगा और नीचे शायद 1.5, 1.4 या 1.6 का डायमंड आएगा। कमांड लेंगे ओ स्पेस और डायमंड का सेंटर पकड़ेंगे और ऑर्थो ऑन रखना ज़रूरी है दोस्तों, और फिर सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रहा। और सेम इसी तरीके से हम ड्रॉप के ऊपर भी डायमंड प्लेस करेंगे। ओ स्पेस डायमंड सिलेक्ट किया और यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्लिक किया, 2 mm का स्टोन वहाँ पे बिठा दिया है। नहीं, डायमंड और छोटा लेना पड़ेगा, जी हाँ, ये डायमंड हमने 1.5 का ले लिया है यहाँ पे। यहाँ पे डायमंड प्लेस कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों डायमंड के बाहर आप देख रहे होंगे कर्व होगा, वो हमने 0.1 का ऑफसेट मारा हुआ है। हमें कोशिश करना है कि डायमंड टू डायमंड गैप 0.1 से ज़्यादा हो और मैक्सिमम 0.2, उससे ज़्यादा हमें डायमंड टू डायमंड गैप कभी भी नहीं रखना है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो दोस्तों एस शेप के ऊपर भी हमने डायमंड ऑलमोस्ट बिठा दिए, कुछ छोटे डायमंड बिठाने पड़ेंगे उससे भी। ओ स्पेस डायमंड का सेंटर पकड़ा और यहाँ पे सिंपल क्लिक किया और ओके करके हम इसको बिठा पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये डायमंड नहीं आ पाएगा, इससे भी छोटी एक डायमंड हमें लेनी होगी।
1.4 या 1.5 की लेके देखते हैं, 1.4 ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे प्लेस करने जा रहे हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है। तो दोस्तों ये लास्ट डायमंड है, इससे ज़्यादा छोटे डायमंड हम यहाँ पे भेज दें, इसे हम रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ गया और ये गैप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम इससे भी बड़े डायमंड यूज़ कर लेंगे तो ये गैप मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों आप लाइव रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें यहाँ से गलत हो रही हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, हम इसे लाइव बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गैप मेंटेन कर दिया हमने अभी। तो दोस्तों बैकग्राउंड में जो इमेज थी MJ मयूर की, उसके हिसाब से जहाँ जहाँ पर डायमंड बैठे हुए हैं वहाँ पे हमने डायमंड प्लेस कर दिए हैं। अभी ऊपर का पार्ट हम बनाएंगे, वो बॉल थोड़ा बड़ा हो गया, इसे हम छोटा कर लेते हैं। जी हाँ, ये पहले से बेटर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो देखकर उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हों। देखिए दोस्तों, रेंडरिंग के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कलर में कलर पुट करेंगे, ऑरेंज में 4th वाला ओके किया और यहाँ पे ग्लोज हम 35% रखेंगे। तो हमें अट्रैक्टिव रेंडरिंग इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब हम इसे फाइनल करने की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि डायमंड प्लेस हो चुका है। अब हमें इसे ड्रॉप को लिंक करेंगे और ऊपर जैसा पेंडेंट में जैसा लूप बनाया हुआ है वो भी हम बनाएंगे यहाँ पर। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैंने एक सर्कल कमांड ले लिया है और इसे मैं 1 mm का सर्कल ले लिया, इसे बाहर में 0.35 का ऑफसेट मार रहा हूँ और पाइप भी मैंने 0.35 का ले लिया है। पाइप कमांड के लिए आपको PIPE स्पेस लेना होगा और एक सीधा कड़ी और एक उसे उसी को सेम रोटेट कॉपी करके हमने दूसरा ले लिया है। रोटेट में कॉपी करके कमांड आता है, उसे हमें क्लिक करना है तो अपने आप हमें रोटेट करने के टाइम पे कॉपी मिल जाएगा। इसे भी हम गोल्डन कलर दे देते हैं दोस्तों, जिससे डिज़ाइन को मैच कर पाएंगे हम। तो दोस्तों आप लोग डिज़ाइन को फाइनल होने के बाद ज़रूर देखें और ये भी देखें कि डिज़ाइन हमने मैच की है या नहीं की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये कैड का लेक्चर पसंद आ रहा होगा। इसे मूव वर्टिकल करके नीचे खींच लेता हूँ और अब लूप बनाना है मुझे पीछे का। नॉर्मली दोस्तों लूप के अंदर हमें 3 mm से लेके 4 mm तक का ओपनिंग देना होता है, इस डिज़ाइन में हम इतना बड़ा ओपनिंग नहीं देंगे क्योंकि डिज़ाइन हमें बैकग्राउंड से मैच करना है। नॉर्मली 3-4 mm का ओपनिंग होना चाहिए। अब इसे मैं कटिंग प्लेनर कमांड लूँगा
सी यू स्पेस करके और स्विंग के, और यहाँ पर सीधा स्ट्रेट में मैंने लाइन खींच दी। एक कटिंग प्लेनर आ चुका, उसे मिरर कर दूँगा और इसे स्प्लिट कमांड की हेल्प से कट कर दूँगा। तो ये एक लूप रेडी हो चुका है, जो कि मैनुअल स्केच से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसे हमने सिंपल सोबर बनाया हुआ है इस डिज़ाइन के लिए। अगर आप चाहें तो वैसा लूप भी बना सकते हैं जैसा बैकग्राउंड में एमजे मयूर द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, हमारी कोशिश ये है कि कम से कम समय में हम